अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी फ्रूट चाट बनाने की रेसिपी, रमज़ान स्पेशल। ये फ्रूट चाट हर घर में बनती ही रहती है, इसके बगैर इफ्तार अधूरा लगता है, क्योंकि इसको खाने के बाद हम सबको अंदर से काफ़ी ताकत मिलती है और टेस्ट में तो लाजवाब, खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। ये ना केवल टेस्टी होती है बल्कि काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आएगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और सारे फ्रूट्स को धो के इस तरह से छोटे छोटे काट लें। तो यहाँ पर मैंने ग्रेप्स लिया है और ये ऑरेंज है, एक ऑरेंज है, और 10 से 12 मैंने ग्रेप्स लिया, और ये गुआवा है। गुआवा यहाँ पर थोड़ा पका हुआ इस्तेमाल करें, इससे और भी मज़े का लगता है चाट। तो गुआवा को भी डाल देंगे। ये मैंने एक पीस की भी डाला है और ये दो पीस बनाना है। पोमीग्रेनेट है और एप्पल। फ्रूट्स आप अपने मनपसंद की ले सकते हैं, जो भी फ्रूट डालना चाहे आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले लें। और इसमें डाल देंगे आधा लेमन का जूस। तो अच्छे से मैंने लेमन का जूस निचोड़ दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है चाट में। और ये छोटा चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर है और काला नमक। काला नमक से चाट में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो ज़रूर से डालिएगा। और यहाँ पे मैंने चाट मसाला डाला है। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो बगैर चाट मसाले के भी आप ये चाट बना सकते हैं। बस काला नमक और ब्लैक पेपर पाउडर और चीनी, लेमन जूस, बस इतना ही सामान इसमें जाता है और ये बहुत ही मज़े का लगता है। तो अच्छे से मैंने इसे इस तरह से मिक्स कर लिया। आप चाहे तो यहाँ पर इसमें क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा, हमारा फ्रूट चाट बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखिए हमारा सुपर टेस्टी फ्रूट चाट बनकर तैयार है। इस चाट को खाकर दिन भर की कमजोरी और थकान दूर हो जाती है, ये इतना टेस्टी लगता है खाने में। अगर हम सब इसी फल को अलग अलग खाते हैं तो ये नहीं खाई जाती, लेकिन अगर आप इसको एक साथ मिक्स करके चाट बनाकर खाएंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और खाने में भी आसानी हो जाती है और सभी को बेहद पसंद आती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर इसी तरह की सिंपल आसान रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।